फैक्ट न्यूज़ के नाल जुड़े हो तुसी ते मैं हाँ चरणजीत सिंह चन्नी। अज गल करांगे एजी नूं लैके, भाव एडवोकेट जनरल नूं लैके। पंजाब दे विच नवीं सरकार बन चुकी है, भगवंत सरकार वल्लों नवां एजी नियुक्त किया गया, डॉक्टर अनमोल रतन नूं नवां एजी लगाया गया। उते ही एजी सरकार वल्लों क्यों लगाया जांदा है, आखिर एजी दे काम काज की हुंदे ने, इस बाबत पूरी तुहाडे नाल राय सांझी करांगे, पूरा दसांगे कि एजी आखिरकार सरकार वल्लों चुणिया क्यों जांदा है, सरकार नूं एजी की लोड़ क्यों पैंदी है। इस तों पहलां भी जेकर कांग्रेस सरकार की गल की जाए उदों भी पटवालियां नूं भी एजी लगाया गया सी, अतुल नंदा भी पंजाब दे एजी रह चुके ने। उते ही पहला सब तो पहला दस देना चाहुंदे आ कि नियुक्ति कौन करदा है एजी दी। भारत दे संविधान दी धारा 165 दे तहत एजी भाव एडवोकेट जनरल नियुक्त किया जाता है। राज दा राजपाल ही एजी नूं नियुक्त कर सकता है। एजी दी नियुक्ति दा कोई भी निर्धारित समा नहीं हुंदा, राजपाल जदों चाहे उसनूं हटा सकता है ते जदों चाहे उसनूं बदल भी सकता है। जो व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बनने की काबिलियत रखता है उसनू ही एजी लगाया जा सकता है। हाई कोर्ट का जज बनने लिए जो जरूरी गल्लां ने यह हैं कि वह एक भारत का नागरिक होना चाहिए ते 10 साल तक किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस की गई होवे। अगला नंबर आता है काम काज नू लेके कि आखिर एजी दे काम की होंदे ने। एजी दा काम राज सरकार नू कानूनी सलाह देना हुंदा है, भाव किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया एजी द्वारा की जाती है। सूबे दे मंत्री जां मुख्यमंत्री जां किसी भी होर अधिकारी नू कानूनी जानकारी एजी द्वारा मुहैया करवाई जाती है। सूबे दा पक्ष रखने लई एजी नू भी किसी भी कोर्ट विच पेश होना पैंदा है। भारत दे संविधान 177 तहत एजी अपनी गल दोवां सदनां दे विच रख सकदा है। एजी सूबे दे तहत कीतियां जाण वालियां मीटिंगां विच भी अपनी गल रख सकदा है। एजी नू सदन विच अपनी वोट पाउण दा अधिकार नहीं हुंदा, बाकी अधिकारिक तौर ते उसते फैसले लैण दे अधिकार जरूर हुंदे ने। अगली गल आउंदी है तनखाह नू लैके। एजी दी तनखाह राज दे राजपाल दे हाथ विच हुंदी है। सूबे दे मुख्यमंत्री नाल सलाह करके राजपाल एजी दी तनखाह नू नियुक्त करदा है। हर सूबे दे विच एजी दी तनखाह अलग अलग हुंदी है। लगभग 50,000 तों लैके 2,00,000 तक एजी दी तनखाह हो सकती है। जे हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट विच सुनवाई दी फीस अलग तों हुंदी है, जो 5,000 तों लैके 30,000 रुपए तक होंदी है। अगली गल आती है सुविधावां नूं लैके कि एक एजी नूं सुविधावां कहिड़ियां-कहिड़ियां दित्ती जांदियां ने। सरकारी रिहायश एजी नूं मिलदी है, भाव सरकारी कोठी एजी नूं मिलदी है। ट्रांसपोर्ट लई सरकारी गड्डी दित्ती जांदी है। अगला एजी नूं सूबा सरकार वल्लों सिक्योरिटी भी मुहैया करवाई जांदी है ते एक थां तों दूजी थां जाण लई यात्रा पत्ता भी एजी नूं राज सरकार वल्लों ही दित्ता जांदा है। सो पंजाब सरकार वल्लों डॉक्टर अनमोल रतन सिद्धू नूं एडवोकेट जनरल लगाया गया है। उते ही डॉक्टर अनमोल रतन सिद्धू दे बारे गल कर लैंदे आ तां सीनियर एडवोकेट पंजाब अते हरियाणा कोर्ट दे विच रह चुके ने ते 1993 तों लैके 2005 तक डिप्टी एडवोकेट जनरल पंजाब वजों सेवा निभा चुके ने। डॉक्टर सिद्धू सूबे नाल संबंधित वख-वख अहम मामलों विच सरकार दी जोरदार नुमाइंदगी करते रहे हैं। डॉक्टर सिद्धू साल 2007 विच सीनियर वकील बनन तों बाद 2008 तों 2014 तक भारत दे सहायक सलिसिटर जनरल वजों सेवेवां निभा चुके ने। नशा पीड़ितां ते मुड़ वसेवे लई तनखाह दान करन दा ऐलान एजी वल्लों कीता गया है। शनिचरवार नूं पंजाब दा एडवोकेट जनरल नियुक्त होण तों बाद उन्हां ने सिर्फ 1 रुपया तनखाह लैण दा ऐलान करदे होए अपनी तनखाह नशे दे आदी लोकां दे इलाज लई दान करन दा ऐलान कीता है। उन्हां कहा कि उह अजिहे पिंडां विच पहुँच के एजी वजों अपनी तनखाह नशा पीड़ितां दे इलाज ते मुड़ वसेवे लई दान करनगे। इस दी शुरुआत उह हलका मकबूलपुरा तों विधायक जीवन जोत कौर अमृतसर पूर्बी दी अगवाई हेठ करनगे। उह अपनी तनखाह विच सिर्फ 1 रुपया ही रखणगे अते बाकी रकम पिंड मकबूलपुरा दी पंचायत नूं जीवन जोत कौर दे सहयोग नाल भेज दित्ती जाएगी। पिंड विच बहुत सारियां विधवावां अते अनाथ हन, इस लई उह इस पिंड तों शुरू करनगे। अनमोल रतन सिद्धू 8 बार पंजाब दे हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसीएशन दे प्रधान भी रह चुके ने। वो पंजाब अते हरियाणा बार कौंसल दे चेयरमैन भी रह चुके ने। इस तों अलावा उन्होंने पंजाब दे एडिशनल जनरल एडवोकेट वजों भी सेवा निभाई है। केंद्र दी कांग्रेस सरकार दौरान करीब 10 साल सिद्धू असिस्टेंट सलिसिटर जनरल वजों सेवा निभा चुके ने। चन्नी दी सरकार विच रहे एडवोकेट जनरल DS पटवालिया ने भी नवीं सरकार बनदे ही अस्तीफा दे दिता सी ते हुण एडवोकेट डॉक्टर अनमोल इतों द्वारा चक लियो तो हूँ डॉक्टर अनमोल रतन सिद्धू नवा एजी लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट द फैक्ट न्यूज़ चैनल।